जो हमने पुदीना डाला था वो पुदीना जो है ना सारा उसमें जो है ना अंदर ही मिक्स। ये देखें आप इसको थोड़ा सा चख लेते हैं किस्म का, ये पनीर बन गया है। अब ये ठंडा हो जाए तो इसका और भी ये टेक्सचर अच्छा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सजाद रहमान, आप देख रहे हैं अमान ट्रैवल एंड फूड। तो आज काफ़ी अरसे बात है ना, मतलब एक नई रेसिपी के साथ, और वो है घर में पनीर बनाने की। मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं पनीर बनाने के, कोई जो है ना इसमें मतलब लीमू डालता है उबालते वक्त, कोई जो है ना सिरका, मुख्तलिफ है, हमारा जो है ना थोड़ा सा अलग है। तो आए देखते हैं कैसे। तो अभी हमने जो लिया है ये है 3 किलो हमने दूध लिया है पनीर बनाने का। अच्छा जी, ये हमने 3 किलो दूध ले लिया है उबालने के लिए, इसको अभी हम उबालने देंगे। एक इसको साथ साथ हमने चलाते रहना है ताकि इसमें मलाई ना बने, इसलिए कि मलाई बनेगी तो वो जो पनीर है वो आपकी क्रीमी नहीं बनेगी। इसको हम वेट करेंगे ताकि ये उबल जाए और मलाई भी इसमें ना आए, तो इसको हमें थोड़ा सा चलाते रहना। दूसरी बात है कि इसमें हमने कच्चा दूध लेना है जो पहले उबला हुआ ना हो, इसलिए कि जैसे इसमें उबाल आएगी हम इसमें जो रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स है वो डालेंगे। देखें ये उबालना शुरू हो गया दूध। अब इसमें हमने डालने हैं तकरीबन 750 ग्राम दही, यानी 3 किलो दूध था तो इसमें हमने 750 ग्राम दही जो है वो हमने डाल लिए, और इसी तरह तकरीबन ये 3 टीस्पून जो है ना हमने इसमें नमक डाल लिया। बस अब ये दूध इसका फटना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा हम जो है ना इसमें पुदीना फ्रेश मिंट लीव्स जो हैं ये भी हम डाल रहे हैं, तो इसका फिर अपना मज़ा होता है, यानी पालक मिंट। इसके थोड़ा से इसको जो है ना देखें ये दूध फटना जो है ना ये शुरू हो गया है, ये देखें, और इसमें हमने ये और भी मिंट डाल लिए। ये दूध हमारा फट गया, अब इसका हम थोड़ा वेट करेंगे। तो इसको फर्दर हमें थोड़ा उबालने देना है, तो उसमें जो पानी होगा वो अलग हो जाएगा और जो पनीर है वो बनके अलग से पीसीस हो जाएंगे। फर्दर फिर इसको हमने इसे हटाना होगा। ये देखिए पानी इसका निकल रहा है, पनीर इससे अलग हो रही है, वो पनीर बनती जा रही है। थोड़ा सा हमने आग अभी कम कर दी लेकिन स्टिल इसमें भी है टाइम। ये देखिए पानी इसमें अलग हो गया है, ये देखिए पानी इसका अलग हो गया है, पनीर अलग हो गई है। अब इसमें हम आग बंद कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको वेट करेंगे। अच्छा, ये अब हमने इधर से जो है ना उठा के इसे पानी छान लेना है, तो इस पर हमने छन्नी पे जो है ना ये मलमल का कपड़ा लगा दिए, मलमल नहीं हो तो आप कॉटन का कपड़ा भी लगा सकते हैं, और ये सारा इसमें हमने डाल दिया है। और अब इसको हम छान लेंगे। अच्छा, इसका पानी जो है ना ये आप ज़ाया मत करें, इसके बड़े न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी हैं और काफ़ी है, वो आप गूगल सर्च में ही देख लीजिएगा, लेकिन बेनिफिट्स इसके काफ़ी हैं तो उसको ज़ाया नहीं करना। काफ़ी पानी है अभी इसमें, ये तकरीबन 3 किलो दूध से 750-750 किलो अगर प्योर दूध हो तो हमारे तो गाय का फ्रेश दूध ही आता है और तकरीबन प्योर ही आता है, तो तकरीबन इससे आपका 700-750 ग्राम का पनीर निकल आता है। इसमें काफ़ी गर्म है तो उसको निचोड़ नहीं सकते, तो इसी तरह से इससे पानी निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखें ये हमने क्या किया, कपड़े को जो है ना इसको ज़रा प्रेस कर दिए इसमें,
दो दिन अभी तक इसमें से पानी निकल रही है। इसको हम यहाँ पे लटका लेंगे। ये ऐसी जो है महंगा नहीं होता, काफी मेहनत तलब काम है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह रख देंगे के ऊपर जो है, ये हमने इस तरह रख दिया, इसके ऊपर ये हम दूसरा वजन रखेंगे। एक तो इसमें शेप भी आ जाएगा, दूसरा जो है इसे सारा पानी फालतू नहीं। इसको ये तो इसे जितना भी फालतू पानी होगा वो ऐसा ऐसा निकल जाएगा। इसको अब हम तकरीबन जब तक ये ठंडा नहीं होता इस तरह रखेंगे, तो थोड़ा इसको अभी ठंडा करने देते हैं। अच्छा, इसे ये पानी सारा भी निकल गया है तो हम इसको अभी निकाल लेते हैं। वाह 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 जी, अभी थोड़ा गर्म है तो इसको ठंडा करना पड़ता है। ये इसका टेक्सचर देखें जी, ये देखें, देखें इसका टेक्सचर। वाह, और इसमें ये देखें, जो हमने पुदीना डाला था वो पुदीना जो है ना सारा उसमें जो है ना अंदर ही मिक्सअप हो चुका है, तो एक ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर बना है। ये देखें, वाह। तो इसको भी हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, लेकिन अदरवाइज ये देखें आप, इसको थोड़ा सा चख लेते हैं। ये देखें, देखें एक काफ़ी जो है ना स्पंजी किस्म का ये पनीर बन गया है। अब ये ठंडा हो जाए तो इसका और भी ये टेक्सचर अच्छा हो जाएगा। क्या जायका कैसा है, लाजवाब। ये तकरीबन 3 किलो दूध अगर आप लेते हैं, 3 किलो दूध में से तकरीबन 700-750 ग्राम का पनीर निकल आता है, जैसे कि बाकी सारा उसके पानी जो है ना उससे वो निकल जाता है। इसमें जो ये पुदीना है, पुदीना का इसमें फिर जो है ना, अगर आप ये देख लें, ज़बरदस्त, मस्त ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का है, सस्ता भी है। ये देखें, अब इससे चाहे आप पालक पनीर बनाएं या इसी तरह खाएं या पकौड़े बनाएं, हर शेप में इसका अपना एक मज़ा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद वीडियो के लिंक्स जो है ना डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप कंटिन्यूसली हमें हमेशा की तरह सपोर्ट करते रहेंगे। सलाम।